शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। अपनी सोच और मजबूत इरादों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले इस नौजवान क्रांतिकारी को आज पूरा देश याद कर रहा है। भगत सिंह भारत मां के ऐसे सपूत रहे जिन्होंने वतन को ही अपना इश्क मान लिया। देखिए खास रिपोर्ट उनके लिए। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। जी हाँ, जिनके लिए आजादी ही उनकी दुल्हन थी, जो हंसते हंसते भारत माँ के लिए फांसी पर चढ़ गया। आज का दिन है भारत माँ के लाल के नाम, जिसने जब इश्क भी लिखना चाहा तो उसकी कलम ने इंकलाब लिखा। आज का दिन है शहीद आजम भगत सिंह के नाम। व्यक्तियों को कुचलकर भी आप उनके विचार नहीं मार सकते। शहीद आजम भगत सिंह भारत में मजदूरों किसानों के राज की खुली वकालत करते थे। 28 सितंबर 1907 को अविभाजित भारत में लायलपुर जिले के बंगा में भगत सिंह का आज ही के दिन जन्म हुआ था। शहीद भगत सिंह साहसी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपनी जिंदगी के बारे में परवाह किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी दोस्तों ने ऐसे पराक्रमी कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए चले आंदोलनों में भगत सिंह का नाम आज भी बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबा। और मास के विचारों से बेहद प्रभावित भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब का मतलब है कि क्रांति की जय हो। उस वक्त इस नारे ने ना जाने कितने युवाओं में जोश भरने का काम किया था। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही भगत सिंह एक अच्छे लेखक और वक्ता भी माने जाते हैं। जेल में रहने के बावजूद भी अपने क्रांतिकारी विचारों को वो लेख के माध्यम से अपने दोस्तों तक पहुंचाते थे। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए चले आंदोलनों में भगत सिंह का नाम आज भी बहुत गर्व से लिया जाता है। महज 12 साल की उम्र में जलिया वाला बाग कांड का उनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। 14 साल के भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों में किताबें और कपड़ों में आग लगा दी थी। देश की रक्षा की खातिर अपनी पढ़ाई छोड़कर सन 1920 में वो महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हुए और महज 23 साल की छोटी सी उम्र में ही ब्रिटिश सेना द्वारा उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।